in class 3. Today we will talk about the talkative tortoise. आज हम लोग talkative tortoise के बारे में बात करेंगे. Tell your partner about one bad habit you think you have. आपको अपने partner को, चाहे वो आपके मित्र हो, friend हो, okay? मित्र means friend, okay? चाहे वो आपके पापा हो, मतलब means father, चाहे वो आपकी मम्मी हो, means mother. आपको कोई भी अपनी बैड हैबिट उन्हें बतानी है. डिस्कस वेज इन विच यू कैन करेक्ट इट. और आपको उनसे डिस्कस करना है ताकि उन बैड हैबिट्स को आप उसे सही कर सकें. लेट्स सी. इन अ फॉरेस्ट फार अवे देयर लिव्ड अ टॉर्टोइस हु लव टू टॉक. एक जंगल में एक टॉर्टोइस रहा करता था जिसे बातें करना बहुत पसंद था. बट नॉट ऑल एनिमल्स हैड द टाइम टू लिसन टू इट. मगर सब एनिमल्स के पास उससे बात करने के लिए या सुनने के लिए उसको इतना वक्त नहीं होता था. इट इज़ वेरी हॉट, इज़न्ट इट? लेट मी टेल यू अ स्टोरी. इट वॉज, यहाँ पर टॉर्टोइस रैबिट को बताने की कोशिश कर रहा है कि आज तो बहुत गर्म है, आज तो बहुत गर्म लग रहा है, तुम्हें नहीं लगता? फिर बोलता है कि आज मैं तुम्हें एक स्टोरी बताऊंगा. रैबिट सेज, सॉरी टॉर्टोइस, आई हैव टू गो. I will hear you your story later. Rabbit ने बोला कि tortoise, I will listen your story. मैं तुम्हारी story, तुम्हारी कहानी बाद में सुनूंगा, because मुझे अभी कहीं जाना है. Its best friend were two geese. यहाँ पर आपको two geese दिख रहे हैं, okay? यहाँ ये टॉर्टोइस के बेस्ट फ्रेंड है. दे सैट टुगेदर एंड चैटेड. ये तीनों एक साथ बैठकर बातें करते हैं. टॉर्टोइस ने बोला, इजंट इट गेटिंग हॉटर? क्या तुम्हें नहीं लगता बहुत गर्म हो रहा है? वेयर इज द रेन? बारिश क्यों नहीं हो रही है? बारिश कब होगी? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो. When will it rain? टॉर्टोइस ने बोला, यही मैं जानना चाहता हूँ कि बारिश कब होगी. The long summer was worrying everyone. पूरे समर में, एक लंबे समर के वक्त में, लंबे गर्मियों के वक्त में सब कोई इसी बात से चिंता कर रहे थे कि बारिश कब होगी. It is so hot that the water in the lake is drying up. अब गीज ने बोला, इन टू गीज में से एक गीज ने बोला, फर्स्ट गीज ने बोला कि अब तो इतना गर्म हो गया है कि पानी, लेक का जो पानी है वो धीमे धीमे सूखा चला जा रहा है. नाउ द सेकेंड गीज सेड, वॉट इफ द लेक ड्राइज अप कम्प्लीटली, वॉट विल द एनिमल्स डू? सेकेंड गीज ने बोला कि क्या होगा अगर ये लेक पूरा ड्राई हो जाएगा और सारे एनिमल्स फिर क्या करेंगे? नाउ सून द समर बिकम वर्स. धीमे धीमे समर इतना बढ़ गया. द बिग लेक हैड हार्डली एनी वाटर लेफ्ट. और उस बिग लेक में बहुत कम पानी रह गया था. The animals started leaving the forest. धीमे धीमे सारे जानवर forest छोड़कर जाने लगे. Come to the next page now. So they suggested it to the tortoise. Geese ने tortoise को suggest किया. क्या बोला? First geese said, Come with us tortoise. पहले गीज ने बोला कि हम लोग के साथ चलो टॉर्टोइस. सेकेंड गीज सेड, लेट्स फ्लाई टू अ लेक फार अवे. इट इज स्टिल फुल ऑफ वाटर
एंड वी कैन लिव देयर कम्फर्टेबली। सेकेंड गीज ने बोला कि चलो हम लोग उड़कर अगले लेक से कहीं दूर चलते हैं, क्योंकि अभी भी लेक में थोड़ा बहुत पानी है और हम लोग किसी और लेक में जाकर वहाँ पर कंफर्टेबली रह सकते हैं। हाउ कैन आई गो एनीवेयर, तो टोइस ने बोला हाउ कैन आई गो एनीवेयर, मैं कैसे कहीं जा सकता हूँ। इट्स ईजी फॉर यू, यू कैन फ्लैप योर विंग्स एंड फ्लाई अवे। तो टोइस ने बोला गीज से कि आपके लिए ये इजी है कि आप अपनी विंग्स को हिलाओ और एक जगह से दूसरी जगह उड़कर पहुंच जाओ। नाउ गीज सेड, हम देयर हैज टू बी अ वे टू टेक यू विद अस। गीज ने बोला हाँ, हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा कि हम तुम्हें भी अपने साथ ले जा सके। सो दे थॉट अबाउट इट एंड फाउंड अ वे। गीज ने सोचा और उन्होंने रास्ता निकाला। क्या निकाला? नाउ लिसन इट, वी हैव थॉट ऑफ अ प्लान। फर्स्ट गीज ने बोला कि हमने तुम्हारे लिए एक प्लान सोचा है। सेकंड गीज सेड, वी विल गेट अ स्टिक एंड होल्ड इट फ्रॉम द एंड। ऑल यू हैव टू डू इज टू होल्ड ऑन to the stick in the middle with your mouth, we will carry you to our new home। यहाँ पर उसने बोला, गीज ने बोला, सेकेंड गीज ने कि हम लोग तुम्हारे लिए एक स्टिक लेकर आएंगे और हम लोग उस स्टिक को साइड के एंड से, स्टिक के साइड के एंड से हम लोग उसको होल्ड करेंगे। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि अपने मुंह से उस स्टिक को बीच में से होल्ड करना है, अगर और उससे तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना है। जब तक हम लोग फ्लाई करेंगे तब तक तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना है और हम तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके चलेंगे अपने साथ। नाउ द नेक्स्ट डे दे वर रेडी टू लीव। अगले दिन वो सब जाने के लिए रेडी थे। होल्ड ऑन टाइट, गीज ने बोला कि सही से टाइटली पकड़ो। सेकेंड गीज ने बोला एंड रिमेंबर यू मस्ट नॉट ओपन योर माउथ, और टोटोइस से बोला कि तुम्हें ध्यान रहे कि तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना है। टोटोइस सेड आई प्रॉमिस टू स्टे साइलेंट। टोटोइस ने बोला कि हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ। एंड सो दे सेट आउट, अब वो लोग फ्लाई के लिए निकल चुके थे आसमान में। एज दे फ्लू दे क्रॉस्ड अ विलेज, जब वो लोग फ्लाई कर रहे थे तो उन लोगों ने एक विलेज को क्रॉस किया, एक गांव को वो लोग जब क्रॉस कर रहे थे तो लोगों ने क्या कहा, लेट्स सी, लुक अ फ्लाइंग टोर्टोइस, वो देखो एक टोर्टोइस फ्लाई कर रहा है। द टोर्टोइस लुक्स फनी, अगले ने बोला कि टोर्टोइस तो कितना फनी लग रहा है और उसके ऊपर हंसने लगे। द टोर्टोइस हर्ड द नॉइज एंड गॉट रेस्टलेस, टोर्टोइस ने जब उन लोग की नॉइज सुनी कि वो लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि वो फनी लग रहा है और उस फ्लाइंग टोर्टोइस को बार बार देख रहे हैं और नॉइज कर रहे हैं, तो वो टोर्टोइस रेस्टलेस हो गया। वो जो उसका वो अपने मन में बहुत सी बातें सोचने लगा कि लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, क्यों ऐसे कह रहे हैं, मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। नाउ टोर्टोइस ने अपना मुंह लास्टली खोल दिया, ही सेड व्हाट, और गीज ने क्या बोला था, अपना मुंह मत खोलना। व्हेन वी आर Crossing the village, when we are flying, taking you one place to another, जब हम तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना है, because you don't know how to fly, okay? तुम्हें बस अपना मुंह बंद करके उस स्टिक को होल्ड करना है। बट टोर्टोइस ने क्या किया, उसने what बोल दिया और उसका मुंह खुल गया, और then let's see what happened, and he should not have opened his mouth। फर्स्ट गीज ने बोला गुस्से में,
कि उसे अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए था। सेकंड गीज ने बोला, ओह द पुअर टोटोइस, वो बेचारा टोटोइस। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ। हियर आर सम वर्ड मीनिंग्स फॉर यू। वर्स, वेरी बैड। सजेस्टेड, गेव एन आइडिया। वर्स मीन्स बहुत बैड, बुरी सिचुएशन। सजेस्टेड मीन्स जब हम किसी को कोई आइडिया दे रहे हो। कम्फर्टेबली, इन अ कम्फर्टेबल वे। हियर, विदाउट शॉर्टेज ऑफ फूड। कम्फर्टेबल मीन्स जहाँ पर हम कम्फर्टेबली रह सकें, जहाँ पर हमें कोई फूड की शॉर्टेज ना हो, ना ही पानी की शॉर्टेज हो। रेस्टलेस, अनेबल टू स्टे स्टिल। रेस्टलेस मीन्स हम जहाँ, हम जैसे जिस तरह से रह रहे हैं उस तरह से हम नहीं रह पाते हैं, तो उसे रेस्टलेस कहते हैं। अनेबल टू स्टे स्टिल, जैसा हम रह रहे हैं वैसा ना रह पाए। तो अबाउट द पैसेज। ए, अंडरस्टैंड एंड आंसर। फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है, आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ए, द टोटोइज लाइक टू। टोटोइज को क्या करना पसंद था? बातें करना पसंद था। टोटोइज, द टोटोइज लाइक टू टॉक। राइट, टॉक ओवर यर, TALK, टॉक, फुल स्टॉप। बी इज इट्स बेस्ट फ्रेंड्स वर्ड टू। टोटोइज के बेस्ट फ्रेंड्स कौन थे? टू स्वैंस या गीज आप लिख सकते हैं। आई रोट ओवर यर स्वैंस। ओके, यू कैन राइट गीज ऑल्सो। SWANS, swans. Come to the C1. The geese made a plan to leave the forest. Geese ने प्लान बनाया कि वो लोग फॉरेस्ट को छोड़ देंगे। So, right, forest. उन लोग क्या प्लान बना रहे थे? किसको छोड़ने के लिए? फॉरेस्ट को छोड़ने के लिए। क्यों? Because lakes dry up हो रहे थे। Okay? FOREST, forest. D, the tortoise held onto dash with his mouth. Tortoise ne kya pakda tha apne mouth se? Stick. So write stick over here. STICK, stick. Second, read these sentences and answer the questions. A, I think we two should leave. किसने ये बात बोली? इस सेंटेंस में किसने ये बात बोली? Who said this sentence? The two swans. The two swans ने बोला कि हमें लगता है कि हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। Second is, who should leave? Tortoise and two swans ने बोला कि उन्हें, who की जगह आपको बताना है, tortoise and two swans, ठीक है, should leave. Third is, why should they leave? उन्हें क्यों छोड़ के जाना चाहिए? They should leave because the lake of the forest was drying up day by day. उन्हें उस जगह को छोड़ के इसलिए जाना था क्योंकि लेक, जो फॉरेस्ट का जो लेक था, वो दिन ब दिन ड्राई हो रहा था समर की वजह से। B, second sentences, and remember, you must not open your mouth. ये sentence किसने बोला कि तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना है tortoise से? Yes, right, there were two swans. उन दोनों ने बोला कि tortoise को कि तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना है, हम तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे। So first is, who said this sentence? The two swans said this sentence. Answer is, the two swans said this sentence. Question number two, who is you in this sentence? Answer is, the talking tortoise is you in this sentence. Third is, why should the you in this sentence not open its mouth? Answer is, the you in this sentence not open its mouth because he doesn't have wings to flap and fly. Okay? Now, B,
Think and answer. Talking too much was the tortoise's only fault. How did this habit harm the tortoise? बहुत ज़्यादा बात करने की वजह से टोटोइस उसकी एक ही गलती थी कि वो बहुत ज़्यादा बातें करता था. और हाउ डिड दिस हैबिट हार्म द टोटोइस, कैसे इस हैबिट ने टोटोइस को हार्म किया, आपको ये बताना है. ओके, दिस इज़ योर होमवर्क. कम टू द नेक्स्ट पेज. वर्ड बाय वर्ड. अपोजिट. Big, small, hot, cold. The word in each pair have opposite meaning. Each pair में opposite meaning है word की. Use the opposites of the underlined words to complete these sentences. Choose from the words given in the box. यहाँ पर आपको opposite words use करने हैं underlined sentence के according, और उसे इन ब्लैंक्स में भरना है इन हेल्पिंग बॉक्स की मदद से. नाउ ए, माय हाउस इज नियर. नियर का ऑपोजिट इज फार. ओके, सो यू हैव टू फाइंड फार ओवर हियर. फार इज ओवर हियर, राइट? फार. माय हाउस इज नियर द स्कूल. मनुज हाउस इज फार, फुल स्टॉप. बी, द मैथ्स एक्सरसाइज लुक्स डिफिकल्ट. डिफिकल्ट ऑपोजिट वर्ड इज ईज़ी. जो चीज़ हमें बहुत कठिन लगती है तो उसका ऑपोजिट वर्ड सरल होता है. सो इट्स ईजी. द मैथ्स एक्सरसाइज लुक्स डिफिकल्ट बट वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यू विल फाइंड इट ईजी. हमें मैथ्स एक्सरसाइज बहुत डिफिकल्ट लगती है, मगर जब हम उसे प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमें ईजी लगने लगती है. सी, I lost my pencil this morning. I found it under the table. Lost, lost का opposite होता है found. खो गया, मिल गया. Okay? D, Jenny was sad that her parrot flew away. Then she found it and become dash. सैड का ओपोजिट वर्ड इज डैश. जब हम लोग दुखी होते हैं, दुखी का ओपोजिट खुश होता है. सो आई हैव रिटन ओवर हियर हैप्पी. ओके, वो सैड थी जब उसका पैरेट खो गया था, वो खुश थी जब उसका पैरेट मिल गया. ई, अ चीता कैन रन वेरी फास्ट बट अ टोर्टोइस इज स्लो. चीता बहुत फास्ट रन करता है मगर टोर्टोइस बहुत स्लो रन करता है. सो फास्ट ऑपोजिट इज स्लो. तेज दौड़ना, धीमे दौड़ना. ओके, कम टू द सिंगुलर एंड प्लूरल. यू हैव लर्नड दैट वी एड एस टू अ सिंगुलर नाउन टू मेक इट प्लूरल दैट इज मोर देन One in number. For example, one stick, five stick. Singular means एक stick है and plural is five stick, पांच stick. Okay? First, write the singular or plural form of the words in the table. Here I am showing you some example. Okay? Now tell me in this example, what can you see over here? Singular and plural. Singular means we are talking about only one. And plural means more than one. Okay? So, you can see how many pens is over here? Only one pen. So, we will say this pen. How many pens? There are one pen. How many pen over here? There are 1, 2, 3, 4. 4 pen. So, this is singular and this is plural. Okay? Now come to the exercise back. Singular, plural. A. Spoon means एक spoon के बारे में बात हो रही है. Spoons means बहुत spoons के बारे में बात हो रही है. Book. एक बुक.
बुक्स ढेर सारी बुक, हैट एक हैट, हैट्स ढेर सारी हैट, डी डॉल एक डॉल, डॉल्स ढेर सारी डॉल्स, पेंसिल किसी एक पेंसिल के बारे में बात हो रही है, पेंसिल्स ढेर सारी पेंसिल्स, क्रेयॉन्स किसी क्रेयॉन एक क्रेयॉन के बारे में बात हो रही है, क्रेयॉन्स ढेर सारे क्रेयॉन्स के बारे में बात हो रही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, फॉर वर्ड्स एंडिंग एस सी एच एक्स एंड एस एच वी एड ई एस टू द सिंगुलर वर्ड। हम लोग यहाँ पर जब वर्ड एंड करते हैं तो एस सी एच एक्स एंड एस एच यूज़ करते हैं एंड हम लोग ऐड भी कर लेते हैं ई एस किस में, सिंगुलर वर्ड में। फॉर एग्जाम्पल बस बसेस, बेंच benches. For most word ending with F or FE are replace the F or FE with VES. For example, knife, knives, wife, wipes. For some words ending Y, we generally replace Y with ES. हम लोग जब F के बारे में बात हो रही हो, हम लोग जब एंड करना हो तो हम लोग F की जगह F और FE का यूज़ करते हैं कुछ वर्ड्स में और रिप्लेस करते हैं उसे F या FE या VES से। ओके यहाँ पर हम लोग जब एंड करते हैं वर्ड को तो Y हम लोग जनरली यूज़ करते हैं और उसे रिप्लेस करते हैं IE एस से। और यहाँ पर जब हम लोग सम वर्ड्स के बारे में किसी कुछ वर्ड्स के बारे में जब बात करते हैं तो हम उसे रिप्लेस करते हैं डबल ओ को डबल ई से। ओके सपोज गूज गीज, फुट फीट। ओके ओवर हियर आल्सो यू कैन सी बेबी बेबीज, बेरी बेरीज। कम टू द सेकंड वन, राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म्स of these words. यहाँ पर आपको correct plural form बताना है इन सब words के। A tooth, dash is tooths, plural is tooths. B wolf, dash is wolves. D church, plural is churches. Elf, elves. Third is, complete these sentences with plural forms of the nouns given in brackets. There were many butterflies sitting on the flowers. Flowers mein kaun baithi thi? Butterflies. Okay? I was on my way carrying dash of bread. Loaf likha hai and you have to write plural form loaves. L-O-A-V-E-S, loaves. C, my mother always cut my dash into halves. Kya kya cut karti hai? Sandwich. Sandwich plural form you have to write sandwiches. S-A-N-D-W-I-C-H-E-S, sandwiches. D, I have several dash to paint with. Brush, brush, plural form is brushes. B-R-U-S-H-E-S, brushes. Let's sound check. Listen to the words carefully. Repeat the words loud. Aloud you have to speak. No. Wrap. R. Chalk. Again repeat it. No. Wrap. R. Chalk. What were the silent words over here? K. W,
H and L was the silent word. So you have to focus on it, that how you have to write. K-N-O-W, no. W-R-A-P, wrap. H-O-U-R-R. C-H-A-L-K, chalk. In these words, we do not pronounce the highlighted letters. These are silent words. Okay? Second is, now listen to these words and repeat them aloud. यहाँ पर आपको silent words पर focus करना है. Neighbor, slight, dough, way. Over here, you can see GH is silent in each word. Okay? First is N-E-I-G-H-B-O-U-R, neighbor. S-L-I-G-H-T, slight. T-H-O-G-H-U-G-H, dough. Again, I'm repeating, T-H-O-U-G-H, dough. W-E-I-G-H, way. In these words, the letter G-H are silent. यहाँ पर आप G-H silent देख सकते हो. Now, come to the next page now. Listen to these words and repeat them aloud. Underline the silent letters. यहाँ पर आपको ये words दिख रहे हैं. आपको इनके silent letters underline करने हैं. How you have practiced earlier. Okay? First, knee. Silent letter is K. B, sight. Silent letter is S. C, knob. Silent letter is K. D, through. Silent letter is GH. E, palm. Silent letter is L. F, walk. Now you tell me. Yes, right. It's L. Silent letter is L. G, dubbed. Good. Silent letter is B, mark it. H, good. Silent letter is W. I, yes, right. It's silent letter is W. Good. G, J is comb. Silent letter is B, good. Spell well. Rearrange the letters to make words from the story. The pictures will help you. यहाँ पर आपको जो letters हैं आपको rearrange करके आपको word form करना है और ये सारी pictures आपको word form करने में help करेंगी. एक already आपके लिए किया गया है. One has been done for you. A, E-R-W-A-T. E-R-W-A-T से आपको क्या दिख रहा है? A glass of water. So you will write water. Okay? Mark it over here. A, W-A-T-E-R, water. B, T-O-I-S-E-T-O-R. यहाँ पर आपको जो spelling आपको arrange up करनी है. It's tortoise. यहाँ पर आपको tortoise दिख रहा है. Mark it B, T-O-R-T-O-I-S-E, tortoise. Good. C, E-S-T-F-O-R. Yes, right. It's forest. Mark it C. F-O-R-E-S-T. Forest. Jumbled word is D. K-A-L-E. Yes, right. It's lake. Mark it D over here. L-A-K-E. Lake. E. I-C-S-T-C. Yes, right. It's stick. Mark it E. Write it over here. S-T-I-C-K, stick. Grammar guide. Common and proper noun. Read this sentence. In the forest lived a tortoise named Terry. You know that forest and tortoise are common noun. Forest or tortoise common noun hai. एक फॉरेस्ट में टोटोइज रहता था जिसका नाम टेरी था. फॉरेस्ट और टोटोइज यहाँ पर कॉमन नाउन है. टेरी इज अ प्रॉपर नाउन. मगर टेरी प्रॉपर नाउन है.
A common noun is the name given to a person, place, animal, or thing of the same kind. For example, friend's leg. यहाँ पर कॉमन नाउन हम इसे उसे बोल रहे हैं जिन्हें हम नाम देते हैं, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो या एनिमल्स हो. ऑफ सेम काइंड, एक तरह के. सपोज फ्रेंड्स या लेक. जैसे फ्रेंड्स या लेक. अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. यहाँ पर प्रॉपर नाउन हमें उनको बोला गया है जिनके स्पेशल नाम दिए जाते हैं. Suppose person, place, animal ya thing. For example, Terry and Delhi. First is, write the common nouns for the given proper nouns. Yahan par aapko common noun likhna hai, already jo proper noun diya hua hai uske liye. A. Mars, write planet. Write planet, planet. B is Yamuna. Write down river, it's a river, so write down river. Kerala, write city, city, city. February, common noun is month, month, month. Come to the next page. Now write the proper noun of these common noun. यहाँ पर common noun already दिए हुए हैं, आपको proper noun बताना है. First is boy, write Vinay, V-I-N-A-Y, Vinay. B, mountain, write Everest, E-V-E-R-E-S-T, Everest, E-V-E-R-E-S-T, Everest. C, country, write India, I-N-D-I-A, India. Again, I'm repeating, I-N-D-I-A, India. D, day of the week, Sunday, write Sunday, S-U-N-D-A-Y, Sunday. B. Collective noun. Read these sentences. The tortoise saw a flock of birds. The tortoise met a herd of elephants. The tortoise heard the crowd of the people shouting. यहाँ पर तीन sentences दिए हुए हैं. In these sentences, the word flock, herd and crowd are noun that stands for group of birds. यहाँ पर इन sentences में तीन वर्ड्स हैं, फ्लॉक, हर्ड एंड क्राउड, जो नाउन है. ओके, दैट इज नाउन फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड. चाहे वो हम बर्ड्स के लिए बोलें, चाहे वो हम एनिमल के लिए बोलें, सच एज एलिफेंट, सच या तो हम पीपल के लिए बोलें, पीपल शाउटिंग हमने बोला ना, या तो हम पीपल के लिए बोलें. सच नाउन आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. इन सब नाउन को हम लोग कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं. ओके, लेट्स रीड सम मोर एग्जाम्पल्स. अब हम एक कलेक्टिव नाउन के और एग्जाम्पल्स देखेंगे. अ बंच ऑफ कीज, बंच इज कलेक्टिव नाउन. अ पैक ऑफ कार्ड्स, पैक इज कलेक्टिव नाउन. एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आर्मी इज कलेक्टिव नाउन. अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, बकेट इज कलेक्टिव नाउन. कम टू डू द एक्सरसाइज टुगेदर. Look at the pictures and fill in the blanks with collective noun. One has been done for you. A swarm of bees. A swarm of bees. One has been done for you. It's written bees. B. A bunches of dash. Bunches aapko kya dikh rahe hain? Of bananas. So write bananas. B-A-N-A-N-A-S, bananas. C, a pride of lions. यहाँ पर आपको lion के अंदर घमंड दिख रहा है जंगल में. Okay, so you have to write pride. The pride, a pride of lions, L-I-O-N-S, lions. D, a flock of birds. यहाँ पर आपको birds दिख रहे हैं, flock of birds, write birds. B-I-R-D-S, birds. Again, I'm repeating, B-I-R-D-S, birds. E, a shoal of fishes. Right, fishes. F-I-S-H-E-S, fishes. Now you solve it. F, a class of dash. Yes, right, it's students. Right, students.
You can see in this picture students, right? Students. S-T-U-D-E-A-T-S. Students. Good. G. I heard of cows. You can see heard of cows. Write it cows. C-O-W-S. Cows. H. A gaggle of swans. You can see a gaggle of swans. Write down S-W-A-N-S. Swans. Come to the next page. Gender. Read these sentences. You have to see over here some genders. Boy and girl looked at the flying tortoise and laughed. Boy and girl is the gender. Grandfather read the story to his granddaughter. Grandfather and granddaughter is gender. There was no water in the lake. The word boy and grandfather are used for males and are masculine gender. Boy or grandfather is masculine gender. Masculine gender के लिए हम लोग male version हम लोग use करते हैं. Female version is feminine gender, such as girls and granddaughter is feminine. So, the words water and lake refers to non-living things. Water or lake, non-living things hai. That are neither male nor female. Na hi wo male hai, na hi wo female hai, because it's non-living thing. These nouns are in the neuter gender. Okay? Ye kya hai? Neuter gender hai. So, let's start. Underline the nouns of masculine gender with blue, feminine gender with red and neuter gender with green. यहाँ पर आपको boy के लिए, masculine के लिए you have to use blue color. Feminine के लिए you have to use red color. And neuter के लिए you have to use green color. Arrow is of green color. Rainbow, green color. Maid, red color. Pen, green color. Carrot, green color. Uncle, blue color. Pilot, blue color. Water, green color. King, blue color. Train, green color. Lion, blue color. Bull, blue color. Learn to listen. Listen carefully to the instructions and do the actions. यहाँ पर आपको instructions follow करके उसके actions करने हैं. Time to talk. Read this conversation about animals, insects and birds. यहाँ पर आपको conversation read करनी है जो animal, insects और birds के according बनाई गई है. Okay? First is, which animal has long ears and red eyes? यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से एनिमल के पास लंबे कान और लंबी और रेड आईज होती हैं. सो द गर्ल इज आंसरिंग रैबिट आई थिंक. बॉय ने आंसर किया दैट्स राइट. नाउ इट्स योर टर्न. यहाँ पर जब गर्ल ने बताया कि मुझे लगता है कि वो खरगोश है तो बॉय ने बोला कि हाँ तुम सही हो. अब गर्ल ने सवाल पूछा थैंक्स. विच बर्ड हैज़ ग्रीन फेदर्स एंड अ रेड बीक. यहाँ पर तुम्हें बताना पड़ेगा कि किन बर्ड्स के पास ग्रीन फेदर है और रेड बीक है. सो रेड चोंच किसके पास होती है? दैट्स अ पैरट. बॉय ने बोला हाँ मुझे पता है दैट्स अ पैरट. कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ. Practice a similar dialogues with your partner. Use ideas from the table below. Animal, insect और bird के बारे में यहाँ बात हो रही है. यहाँ पर आपको practice करना है इन सारे dialogues को और use the ideas in the table given below. ठीक है?
animal has black and white strips. Animals के पास black and white strips होती हैं. Animal is black and white and is found in China. Animal black and white जो होते हैं, black and white mostly China में मिलते हैं. Animals has longest neck and tongue. चाइना में जो एनिमल मिलते हैं और कुछ एनिमल्स के लॉन्गेस्ट टंग और नेक होते हैं कुछ एनिमल्स के. इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मेक हनी फॉर अस. इंसेक्ट्स हमारे लिए हनी बनाते हैं कुछ इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स बाइट्स अस एंड मेक्स अस इल. कुछ इंसेक्ट्स हमें बाइट करते हैं और हमें हमारी तबीयत खराब हो जाती है. Insects has black spots on its red back. कुछ insects जब हमें काटते हैं तो हमारे black spots जब काटते हैं तो पीछे red हो जाता है backside. So birds has the most colorful tail feathers. So birds के पास बहुत colorful tails फेदर वाली होती हैं. बर्ड्स स्लीप्स ड्यूरिंग द डे. बर्ड्स दिन में सोती हैं. बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई बट रन वेरी फास्ट. बर्ड्स बहुत तेज़ दौड़ नहीं सकती हैं, बहुत तेज़ उड़ नहीं सकती हैं, बट वो दौड़ती बहुत तेज़ है. वे टू राइट. You have just discussed different kind of animal and bird. Write a short paragraph about any one of them. आपने इतने सारे animals and birds के बारे में बात की है, आपको उनमें से किसी भी एक animal के बारे में, particular animal के बारे में यहाँ पे लिखना है. You may use the given clues to write. यहाँ पे कुछ clues दिए हुए हैं, उस clues के according आपको यहाँ पर fill in the blanks भरना है. What it look like, क्या है उसका shape, size या color. Where it lives, कहाँ पर वो रहता है, पानी में या land में. How it moves, कैसे वो चलता है, क्या वो चल के जाता है या वो fly करके जाता है, उड़ के जाता है. Anything special that you know about that creature, तुमको आपको कुछ special उस creature के बारे में पता है, उस animal के बारे में पता है. So you can write over here. Now I have written over here. The elephant. Elephant कहाँ रहता है? The elephant lives in the forest. I have written in the forest. It has dash. उसके पास कितने पैर होते हैं? 4 legs, 2 ears, 2 trunks, etc. It can hold heavy weightage. Elephant heavy weightage hold कर सकता है. It cannot run fast. He can't swim, etc. वो तेज़ दौड़ नहीं सकता है और ना ही वो स्विम कर सकता है बहुत तेज़. Okay, normally वो स्विम नहीं कर सकता है, वो बस पानी में बैठ, वो पानी जाके पीता है झरने का, वो स्विम नहीं करता है. So, etc. Thank you, class. And here is the play named A Good Play. What do you think these children imagine their playtime to be? आप क्या सोचते हैं कि ये सब children क्या imagine कर रहे हैं कि इनका playtime कैसा होना चाहिए, खेलने का time कैसा होना चाहिए? ये लोग जब खेलते हैं think से, see, pillow से ये खेल रही है उसको घोड़ा बना के. ये ड्रॉअर के बीच में बच्चे हैं, ये बच्चे ग्लासेस के थ्रू बोल और सुन रहे हैं. कम टू द प्ले नाउ. वी बिल्ट अ शिप अपॉन द स्टेयर्स. यहां पर दो लोग के बारे में बात हो रही है. इन दोनों ने शिप बिल्ड करी कहाँ पर, स्टेयर्स पे. स्टेयर्स पे शिप को बनाया.
ऑल मेड ऑफ द बैक बेडरूम चेयर्स, इन्होंने सारी शिप को बैक बेडरूम चेयर्स से बनाया, एंड फिल इट फुल ऑफ सॉफ्ट पिलोज, इन्होंने इसको शिप को सॉफ्ट पिलोज से भर दिया, टू गो अ सेलिंग ऑन द बिलो, ताकि ये सही से फ्लोट कर सके, सही से चल सके पानी में और बिलो कर सके, सही से वेव कर सके। एंड वाटर इन द नर्स पेल्स, और जो वाटर है जो नर्सरी की बकेट में रखा हुआ है, एंड टॉम सेड लेट अस ऑल्सो टेक, टॉम ने बोला चलो हम उसे लेते हैं, एन एप्पल एंड अ स्लाइस ऑफ केक, क्या लिया उन लोगों ने, एप्पल लिया और अ स्लाइस ऑफ केक लिया, विच वॉज इनफ फॉर टॉम एंड मी टू गो अ सेलिंग ऑन टिल टी, जो उन लोग के लिए काफ़ी था कि वो लोग एक सेलिंग पर निकले अपनी शिप के साथ और टी पिए। We sailed along for days and days. वो लोग शिप पे सवारी करने के लिए गए थे और days and days तक वो लोग सवारी किए। And had the very best of place. उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। उन लोग का best time था वो। But Tom fell out and hurt his knee. Tom गिर गया और उसकी नी में चोट लग गई, घुटनों में चोट लग गई। सो देयर वॉज नो वन लेफ्ट बट मी, बट वहाँ पर कोई उसके लिए, उसकी हेल्प के लिए नहीं था मुझको छोड़कर। दिस पोएम इज रिटन बाय आर एल स्टीवेंसन। लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज, कम टू द नेक्स्ट पेज। Billows, waves. So, a carpenter's tool should to cut wood. We should use the carpenter. It's a saw is known as a carpenter's tools used to cut woods. Carpenters ke tools jo wood cut karne mein help karte hain. And pails is buckets. About the poem. Answer these questions. Where was the ship built? Ship kahan built hui thi? Come to the page number 19. Mark it from here. Write down. The ship was built upon the stairs. Write down. The ship was built upon the stairs. Okay, now come to the question again. What was it made of? Answer is, it was made up of, page number 19, the back bedroom chairs. Okay, it was made up of the back bedroom chairs. Now come to the next question. Question C. There we two children were on the ship. This is the answer. The question is, how many children were on the ship? And answer is, there we two children were on the ship. Write were over here and cut it from here. Okay, there we two children were on the ship. How many children were on the ship? Answer is, there were two children
on the ship. Come to the next. Read the last word of lines 1 and 2. Stare and chairs end with the same sound. Now read the last word of third line and fourth line. Okay? यहाँ पर बोल रहा है कि first last word जो first line और second line में है वो है stairs and chairs that end with the same sound, जिनका sound same है. और यहाँ पर third and fourth line में जो last words हैं pillow and below, this is also with the same sound. Such pairs of words that end with the same sound are called rhyming. जो एक sound से end होते हैं, that those words are rhyming. Underline all the rhyming words in the poem. यहाँ पर आपको सारे rhyming words जो poem में पाए जाते हैं, आपको यहाँ पे mark करना है. Now for each pair of rhyming words, find one or more rhyming word in the word square. यहाँ पे आपको एक या एक से ज़्यादा rhyming word ढूँढना है in this square. Okay? One has been done for you. एक आपके लिए किया गया है. Now you have to find. M-A-L-E, mail, mark it. K-I-L-O, kilo, third line. Okay? Fourth line. L-O-W, low. Fifth line, S-T-A-Y, stay. 1, 2, 3, 4, 5, sixth line, W-A-Y, way. Seventh line, A-C-T, act. Eighth line, B-E-A-R, beer. Then tenth line, F-R-E-E, free. Okay? Now we are coming to horizontal way. First line is C-E-A, C. Third line is T-A-I-L, tail. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eighth line is P-A-I-R, pair. Ninth line, M-A-K-E, make. Tenth line, B-A-K-E, bake. Thank you, class.